चोरी हुए स्मार्टफोन को खोजना हुआ आसान, सरकार देने जा रही है ये सुविधा। आज के समय में इंसानों के लिए स्मार्टफोन एक अहम हिस्सा बन गया है, जिसके बिना हमारा कोई काम नहीं हो पाता। इसी के चलते पिछले कई समय से रोज किसी न किसी स्मार्टफोन या फीचर फोन चोरी हो रहे हैं। देश में मोबाइल चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई हैं। इसी घटनाओं के चलते भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे आप अपना फ़ोन चोरी होने या खो जाने पर ट्रैक कर सकते हैं। दूरसंचार विभाग ही जल्द ही इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर की शुरुआत करने जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी डाटाबेस होता है। इसमें भारत में बिकने वाले सभी फ़ोन का 15 अंकों वाला IMEI नंबर होगा। IMEI डाटाबेस जारी होने के बाद जिनका फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है, वो एक हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को जानकारी देंगे, जिसके बाद विभाग आपको फ़ोन के IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगा, जिसके बाद भविष्य में फ़ोन कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ, जैसे ही ब्लैकलिस्ट किए गए फ़ोन में कोई सिम कार्ड इस्तेमाल करेगा, तो पहले पुलिस फ़ोन को ट्रैक कर लेगी। विभाग आपके फ़ोन के IMEI नंबर को 3 पार्ट में ब्लैकलिस्ट करेगा, जिसमें वाइट, ग्रे और ब्लैक शामिल है। व्हाइट लिस्ट में शामिल होने वाले फ़ोन को इस्तेमाल की अनुमति होगी, वहीं ब्लैक लिस्ट में शामिल फ़ोन इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। वहीं ग्रे लिस्ट में उन फ़ोन का डाटा होगा जो मानकों के अनुरूप नहीं है। तो इस सुविधा के चालू हो जाने से आप चोरी किए गए फ़ोन का आसानी से पता लगा सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।